हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार वीकेंड जो है वो आ चुका है मेरे लिए, और मेरा क्या सीन बन रहा है कि ना आज मैं जा रहा हूँ यार, एक ट्रिप मेरी आने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिप आएगी मेरे लिए, फर्स्ट टाइम जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे करनी है शॉपिंग। अब शॉपिंग करने यार तुम्हें पता ही है, तुम्हारा भाई सिर्फ बढ़िया बढ़िया जगह जाता है, जारा हो गया, गुची हो गया, अच्छा और गुची हो गया, जारा हो गया। तो बस फिर अब जा रहा हूँ मैं शोरूम में शॉपिंग करने, और साथ में मेरे दोस्त लोग भी जाएंगे मेरे को। फिर आपको तो पता ही है यार, ये सब सामान लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो यस, मैं जा रहा हूँ सरोजनी नगर, साले तू जहाँ पे मुझे मिलेगा अपना सारा सामान ट्रिप के लिए, महंगा सामान सस्ते में। तो बस फिर मेट्रो में चलेंगे, दोस्त लोग भी चलेंगे साथ में, फुल ऑन मस्ती करनी है। और हाँ, अभी तो क्या ही होगा, अब आपको पता ही है, अब शुरू हो जाएंगे सिनेमैटिक। तो चलिए करते हैं सिनेमैटिक शुरू, और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा सरोजिनी नगर में। लेट्स गो। वेलकम टू सरोजिनी, माय ज़ारा थिंग। तो मतलब यार भीड़ मैंने आज पहली बार ही देखी, ऐसी भीड़, मतलब कि गया ही मैं पहली बार हूँ तो भीड़ ही पहली बार देखी होगी, तो भाई भीड़ देख के उतना मजा आ गया। और साथ ही साथ मेरे दोस्त लोग भी आ रहे हैं, तो एक बार मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। हाँ भाई, हेलो मैम, नाइस पर्स मैम, नाइस पर्स। व्हाट यू डू फॉर लिविंग? नथिंग, स्क्रॉल इन इंस्टाग्राम। ओके, तो ये है समिष्टा, इसका नाम सृष्टि है, इसका नाम समिष्टा है, और ये है अभिषेक। क्या मेरी गर्लफ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गई है घूमने, कह रही थी शॉपिंग करने जा रहा है। ऐसे गई वहाँ में ऐसे। समझता क्या कर रही हो? खाना खाओ। चलो ऐसे प्यार से बात करती है ना वो। वही सरोजनी नगर के बारे में ना मैं एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सरोजनी नगर एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लड़कियों को तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ लड़कों को भी फायदा हो जाता है। तो लड़कों का फायदा कैसे होता है आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। बाकी अंदर जाके देखेंगे, आज भीड़ बहुत ज्यादा है, पैर रखने की जगह नहीं है, तो हाथ रखेंगे अब हम। तो गाइस हम यहाँ पे खड़े हैं, तानिया का वेट कर रहे हैं गाइस, और मैं एक बार जरा अपनी फ्रेंड से पूछूं क्या बजट लेके आई है। तो समिष्ठा क्या बजट लेके आई है तू यार सरोजनी में? 4,000। अबे 4,000 में तो इतनी भीड़ सबकी शॉपिंग हो जाएगी 6 लोगों की। भैरे बहुत सारी है ना, सबकी यहीं से करके लेकर जाओ। अच्छा चल सही है, 4,000 में 4 साल की पूरी शॉपिंग हो जाती है। और ये तो मैं तो नू हूँ, लेकिन हमारे हमारे बीच में एक एक्सपर्ट भी है हमारी, तो मैं एक बार एक्सपर्ट से पूछ के बताता हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है यार, मैंने तो सुनने में आया आप एक्सपर्ट हो बड़े बड़े। तो यही तो हमें चाहिए यार, ऐसे ही हमें चाहिए सीन कि कैसे करना है। तो आपको भी सिखाएंगे आज बार्गेनिंग करना हम। चलो ठीक है, क्योंकि सरोजनी में हर व्लॉग में यही सिखाया जाता है कि आप कपड़े कहाँ से खरीद सकते हो, शॉप नंबर बताया जाता है। लेकिन यार ये नहीं बताया जाता कपड़े कहाँ से ना खरीदे, ये कोई नहीं बताएगा यार, उसमें को प्रॉफिट ही नहीं होगा। ज़ारा से कपड़े ना खरीदे, सरोजनी से आगे खरीदे। ओके ठीक है, सरोजनी के ज़ारा के ओरिजिनल खरीदे। ज़ारा वाली भी नहीं खरीदे, मॉडल खड़े होते वो भी सरोजनी के ही है। डार्क सीक्रेट रिवील। ये कहने जा रहा हूं ऋषभ भी यही आता है। मैं तो यहीं आता हूँ अपनी 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 फ्रेंड के साथ, और अपनी फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ। भूख को चीरते हुए पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है वो सिनेमैटिक, देखो आप जरा सिनेमैटिक। कौन सी है डेस्टिनेशन? कैल्विन क्लीन लैकोस्ट का ये शिप का पहनना, अरियाना ग्रैंडे पहन रही है। अभी मतलब कोई और नहीं गया था। अब क्या कह रहे हैं? हाँ सर क्या कह रहे हैं आप? 3500। कौन सा ये? अच्छा ये और ये, और ये पूरा ये इतने स्माइली एडिशन। 3500 ले लीजिए, ले लीजिए। 150 रुपया देगा।
पर सब कुछ है, ऐसे ऐसे मोड़ो जलाओ अपना ही समझिए। अबे 3500 यार अपना रेट नहीं बताना है, कमरों का बताना है। 150 भाई यार हमारे साथ के यार, मतलब एक घंटे से एक दुकान के अंदर है और मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या शॉपिंग करके आए होंगे। चलो चेक करते हैं, आएंगे बाहर। तो यार तुम से एक इतनी एक घंटे से सॉक्स लेके आए हो अंदर से? सॉक्स नहीं है ये, क्या है फिर? ऑफिस में पता चलेगा क्या है। ओके सरप्राइज सरप्राइज। क्या एक्सपीरियंस है तेरा फर्स्ट पहली शॉपिंग सरोजनी की? इसको चढ़ावा करना है। अच्छा था, भर लिया सामान, एक ही लिया मैंने अभी, और चुन के लेती हूं यार मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कुछ। समझता गुना समझता। अबे ये अच्छा कलर लियो यार। वाओ ये अच्छा कलर लिया है, मैचिंग मैचिंग लिया इसने, मेरा देख के इसने ले लिया मैच करने के लिए। तो यार भीड़ देखो यार एक बार। एक्सक्यूज मी, अरे वो गिर चुका है, गिर गया भाव। भाई कितना टाइम और लगना है यार, बहुत थक गया मैं, 5% घूम गया मैंने सरोजनी। यार ऐसा मत बोलो। अच्छा वेरी नाइस। ऋषभ तुम्हें किसी के लिए चाहिए? जिसके लिए चाहिए था वो कल ही उसने ब्रेकअप कर लिया। किसके साथ? अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो भाई फाइनली मेरे 2 घंटे घूमने के बाद अपने लिए शॉपिंग मेरी मैंने कर ली, मेरा टास्क पूरा हो गया यहाँ पे आने का, ये लिया मैंने। थैंक यू बोलो भैया को। भैया आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। यार ये 20 रुपये क्यों वेस्ट कर दिए? 30 रुपये यार ऋषभ बहुत एक्सपेंसिव हो गया यार। यार घंटे जो मैंने लगाए उसके लिए तो चल बनता है यार। फाइनली यार शॉपिंग वॉपिंग तो चलती रहेगी, लेकिन ये सब देखो ना, ये कुछ यूनिक है यार। हेडफोन ले लिए इसने अपने लिए, तानिया ने। तानिया सुनाई दे रही है आवाज मेरी? हेलो आप कौन, कहाँ लगाया फोन? देख ले तेरा लौट क्या हो गया, 150 से 1 रुपए कम नहीं पहचान ले रहा। गाना अभी नहीं बजता क्या? अब आया आवाज, अब आ रही है आवाज, अब हो रहा है, अब आ जा रही है, भी सही है। दिमाग खराब हो गया यार, चले आप घर। अरे मेरे को क्या बोल रहे हो यार बड़ा तुमने। ये एक थैला, एक ये बैग, एक ये बैग और एक ये बैग। वो कह रहे हो फिर से आ जाते हो, जब मैं फेमस हो जाते हो तो चुन लेते हो, ये तो गलत बात है। लड़कियाँ होती हैं वो कोटी बंगले वाली, अपने आपको बताने के लिए बुक्स खरीदती हैं ताकि लगे कि भाई मैं बुक्स पढ़ने वाली हूँ, वही है ना, ताकि लगे कि हम बुक्स पढ़ने कोटी करने वाले हैं, इकट्ठे करने के लिए। हाँ सजाए जाएंगे, सजाने के लिए ये होता है। अब हमारी जितनी शॉपिंग होनी थी वो सब हो चुकी है, अब हम सोच रहे हैं कि कुछ खाने चलते हैं। अब बाकी का व्लॉग वहाँ पर, तो चलना है खाने, कुछ क्या करना है? चलते हैं बाकी का व्लॉग वहाँ पर। ओके व्हाट अबाउट यू? सरोजनी निकल गई पूरी, लेकिन मैंने सिर्फ यही लिया है। तान्ने तेरे पैर में क्या हुआ? पैर यार, अबे पैर निकाल लेना जूते से तब से रुक। अबे ये क्या है? चाबी। एक महीने से ढूंढ रही हूँ चाबी को यार। भैया ऐसे हो गया ये जूता पहन के ये पूरा सरोजनी घूम चुकी है 4 घंटे और अब इसे चाबी मिल गई। चुप क्या कर रही है, खोल के देख ही लेती हूँ पैर में। वाओ वेरी डेंजरस। सैटरडे संडे तो भाई भी ना है, दिमाग खराब हो जाता है, पैर रखने की जगह नहीं होती अंदर।
सोच रहे थोड़ा सा ये वाला सरोजनी हम लोग खरीद लेते हैं, ये वाला फ्लोर पूरा ये डेवलप करा देंगे। नहीं नहीं हम लोग यहाँ चट्टान खोलेंगे, अपनी चट्टान यहाँ पत्थर में अपना नाम लिखवा देंगे लकीर में। बढ़िया थी, फ्रेश कर दिया भाई, फ्रेश हो गया, पेट भी साफ हो गया हमारा, तो पियो ना, पाचन शक्ति भी पाचन ही कर दी है, पाचन शक्ति भी बढ़ा दी हमारी, और पाचने की शक्ति वो अभी बढ़ती हुई दिख रही है, मेट्रो में जब जाऊंगा ना पूरा एक डब्बा वो बढ़ जाएगी वहाँ। ठीक है फिर तानिया, बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा सरोजनी पहली बार दिख रहा है तेरी शक्ल पे मेरे को, चलो फिर भी कोई नहीं, मजा इतना आया आज, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी, सैटरडे संडे इग्नोर करें अगर आप सरोजनी आना चाहते तो, कम आए आप भी, आप क्या करें यार, बिल्कुल ये अवॉइड करें, छुट्टी है, छुट्टी सबकी होती क्या कर सकते, ये तो है यार, बट कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, झाटू है ब्रो, छुट्टी नहीं देता है, छुट्टी नहीं देता है, कुछ और बनाएंगे नेक्स्ट टाइम करेंगे। चल फिर समिश्रा बाय, बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छी लगी तुम्हारे साथ, बाय बाय, ओके, क्या सीन, क्या सीन, भाई संभाल के लेके जाइए इनको, अनमोल अपने दो अनमोल रतन को ये ले, भाई क्या सीन है, यही सीन है कि समझ नहीं पा रही, चलो फिर बाय यार, ओके भाई मिलते हैं। तो यार फाइनली अब घर आ चुका हूँ मैं, सीन अच्छा था लेकिन यही है ना कि यार दोस्त यारों के साथ गया था तो यही था, बाकी सामान तो मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि मन तो कुछ था नहीं वहाँ से लेने का, बस ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा एंजॉय किया जाए। सरोजनी नगर का जो मेरे को क्या लगा कि यार काफ़ी ज़्यादा वैसा है, वो क्या बोलते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, हालांकि यार चीप मार्केट है तो भीड़ तो रहेगी, और लड़कों के लिए तो वैसे है लेकिन ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो यार मेरा तो सिर्फ यही था कि गया थोड़ा बहुत इन्जॉय किया और घूमा फिरा, भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है सैटरडे संडे को तो अवॉइड तो क्या ही कर पाएंगे आप लोग, अगर घूम पाए तो देखना, लेकिन इतनी भीड़ होती है, और फ़ोन वगैरह थोड़ा बचा के रखें, फ़ोन वॉलेट और कोई भी जो कीमती चीज़ है उनको बचा के रखें क्योंकि वहाँ पर चोरी हो सकते हैं, तो ये सब होता है, बाकी तो अच्छा है काफ़ी, अगर कॉलेज वगैरह कॉलेज पर स्टूडेंट्स हैं कोई जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेना चाहते तो वो लोग वहाँ से कर सकते हैं, बस ये था, और आई होप आपको देखने में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और भाई कैसा लग रहा है? यार बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार सरोजनी आए हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बहुत सारी शॉपिंग करी, उसका सामान है गर्लफ्रेंड का, थोड़ा बैग ऊपर कर लो, दिख नहीं रहा है तुम्हारे गाइस को, बट गर्लफ्रेंड है का? अभी पीछे तो थी, अरे कहाँ गई, अभी मेरे साथ ही तो थी यार, बेस्ट फ्रेंड आया था क्या उसका, कुतिया बनाया तुमको।